हाई स्टूडेंट्स, दिस इज अक्षत मखीजा एट आरबीएम कैट फरीदाबाद एंड दिस इज आर स्टूडेंट कृष्णा सैनी, जिनकी जॉब लगी है. इनका ही इज अ फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर. 3 लाख का पैकेज लगा है, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख हो गया ना? 3.7. ओके, दैट इज अ वेरी गुड पैकेज एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. उनका A to Z फिल्ट्रेशन में लगा है, विच इज अ कंपनी इन गुड़गांव. इट्स अ वेरी गुड कंपनी, जिनका एक प्लांट अलग से बावल में है और कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में है. इनका एज अ डिजाइन इंजीनियर लगा है, सिर्फ डिजाइन का रोल होगा उसमें. एंड ऑटोकैड सॉलिड वर्क आपने किया था ना, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी क्या करते थे, क्या आपकी प्रोफाइल है? सर, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है चित्तौड़गढ़ कॉलेज से मैकेनिकल से, एंड जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल से. कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अलवर से हूँ सर, अलवर राजस्थान. ठीक है. सो 8th सेम क्लियर होने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कैड करना है सॉलिड वर्क्स. और 8th सेम में बीटेक की बात कर रहे हैं? यस, 8th सेम बीटेक. तो वहाँ एग्जाम देने के बाद मुझे था कि पहले मैं रिजल्ट आने से पहले ही कर लूँ कि कैड में कहाँ से करनी है. अच्छा, कैड मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, तो फिर मैंने आरबीएम कैड वहां से देखा. अभी आपका रिजल्ट नहीं आया? आगे सितंबर में. अच्छा, सितंबर में. तो क्लियर हो गया मेरा बीटेक. ठीक है. सर्च किया मैंने आरबीएम, आरबीएम में आपकी वीडियो देखी, वहां से आपसे मीटिंग के लिए आया था. देन फिक्स हुआ कि अब मुझे ऑटोकैड यहीं से करना है. मैं यहाँ शिफ्ट हो गया था. ठीक है. शिफ्ट होने के बाद एक महीना तो मैंने ऑटोकैड किया और 1.5-2 महीने का मेरा सॉलिड वर्क्स हुआ था. सॉलिड वर्क्स था. उसके बाद फैमिली फंक्शंस थे तो मैं अपने होम टाउन चला गया था. दिसंबर टाइम में सब फंक्शंस वगैरह होते हैं. सिस्टर, मेरी सिस्टर की शादी थी. अच्छा, ठीक है. तो उसके बाद मैं 16-18 दिसंबर को मैं यहाँ पे आ गया था. ठीक है. उसके बाद मैंने एक दो इंटरव्यूज दिए. आपने टोटल? मैं टोटल 4 से 5 दिए. 4 से 5 दिए. और 4-5 में क्या रिजल्ट आया आपका? 4-5 में सर फ्रेशर्स का थोड़ा इशू रहता है कि 15 देंगे, 16 देंगे. तो मेरा बट ये था कि अगर अपना होम टाउन नहीं है तो कम से कम 20 या 18 इतना तो मिले. ठीक है. फिर बस ये ट्राई करता रहा. फिर एक दो जगह ये भी इशू हुआ कि इतना पे नहीं कर पाएंगे. बट यहाँ जो ए टू जेड फिल्ट्रेशन सजेस्ट किया था यही प्लेसमेंट सेल से, तो वहां पे गया, इंटरव्यू दिया मैंने. देन वहां अपने फॉर्म वगैरह वहां से फिल करवाया. देन वहां मैंने अपनी रिक्वायरमेंट रखी कि एक्सपेक्टेड सैलरी मेरी 20 से 22 रखी मैंने. ठीक है. और सीटीसी मैंने अप्रोक्स 3 लाख रखा था. हाँ. उसी के अराउंड मुझे मिला, उन्होंने मैच कर दिया उसको. ठीक है. तो अभी ये प्रोसेस क्या था इंटरव्यू का, ये आप बताइए कि अच्छी सैलरी लगी है फॉर अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेशर, बहुत अच्छी सैलरी है. मैं तो कह रहा हूँ 15,000 रुपये आप काम कर लो, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर में एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक्सपीरियंस नहीं है तो वो वैल्यू खत्म हो जाती है डिग्री की. तो मैं तो कहता हूँ जो भी आपको सैलरी मिली उस पर काम करो, बट आपको तो एक अच्छी सैलरी मिल गई. तो क्या उन्होंने क्या कितने राउंड्स थे, पूरा ये प्रोसेस बताओ आप. सर फर्स्ट एचआर ने हमको फॉर्म फिलअप करवाया. ठीक है. देन फॉर्म फिलअप करके दे दिया हमने. तो आप अकेले दे रहे थे कि और भी बच्चे थे आपके साथ? दो लड़के थे. ठीक है. डिजाइन के लिए. ठीक है. और दो क्वालिटी के लिए थे. तो हम डिजाइन के लिए हुआ फर्स्ट में. तो उन्होंने पहले प्रैक्टिकल राउंड लिया. ओके. प्रैक्टिकल राउंड में क्या था, उन्होंने एक पार्ट दिया, एक पार्ट के साथ वर्नियर कैलिपर दिया. अच्छा. तो वर्नियर कैलिपर से पहले तो इसको मेजर करो. वो पार्ट वो फिल्टर ही कुछ था कि कुछ और था? नहीं, कुछ और था वो. अच्छा, ठीक है. कुछ सॉलिड पार्ट था, कुछ मैकेनिकल का. तो उसको पहले वर्नियर कैलिपर से मेजर किया. हाँ. उसकी कच्ची ड्राइंग बनाई. हाँ. तो उसके बाद हमसे ड्राफ्टिंग करवाई जो 3D हमने बनाया था. हाँ. ड्राफ्टिंग के बाद वो बोले कि मैनुअली इसको डायमेंशन दो. तो मैनुअली डायमेंशन दी, बट मेरी जो ड्राइंग थी वो मेरी एक्यूरेट थी. ठीक है. ऐसा नहीं कि मैंने कुछ का कुछ बना दिया, जैसे एक्यूरेट जो ठीक है पार्ट दिख रहा था मैंने वही बनाया. हाँ. उसके बाद उन्होंने वेट करने का बोला. फिर वहां के जो HOD थे डिजाइन इंजीनियर, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया. फिर वो जो उन्होंने क्या पूछा, जो मैंने ड्राइंग बनाई थी जो ड्राफ्टिंग की थी वो उनका फोटोकॉपी लेके आए. तो उसके स्केच से मुझसे क्वेश्चन किए. वो क्वेश्चन ये थे कि ड्राफ्टिंग में क्या क्या करना पड़ता है. वर्बल क्वेश्चन पूछा. वर्बली क्वेश्चन पूछे, क्योंकि प्रैक्टिकल राउंड तो हो चुका था तो ड्राइंग के अबाउट ही वर्बली क्वेश्चन पूछे थे. देन ऑटो कैड के बारे में पूछा था, वेल्डमेंट के बारे में पूछा था, और फीचर्स और इसके तो अच्छा. बेसिक्स है तो इनके बारे में पूछा था. पहले प्रैक्टिकल हुआ, फिर उसके बाद पहले प्रैक्टिकल हुआ. हाँ. वो प्रैक्टिकल जिस जो जो डिजाइन इंजीनियर ठीक है उन्होंने हमको दिया था वो प्रैक्टिकल करने के लिए, और उन्होंने ही हमारा इंटरव्यू लिया था. ओके, ठीक है. तो ये 2 राउंड हो गए. हाँ. उसके बाद हमको वेट करने का बोला. देन वहाँ के जो कंपनी के MD है वो MD आए थे, तो उन्होंने फिर उन्होंने हमसे बीटेक के क्वेश्चंस किए थे. उन्होंने सॉफ्टवेयर के. अच्छा, MD ने भी इंटरव्यू लिया. MD ने भी लिया. HR, फिर प्रैक्टिकल, फिर टेक्निकल, फिर उसके बाद MD. 4 राउंड हो गए ना ये. 4 राउंड इंटरव्यू के लिए लिया आपने. ठीक है. तो उन्होंने क्या पूछा आपसे? उन्होंने बीटेक से रिलेटेड पूछा, लाइक गियर्स के बारे में. अच्छा. टॉर्क के बारे में,
पुलिस के बारे में ये सब अगर ना पता होता तो जॉब नहीं लगती बेसिकली सर। वो एमडी राउंड थोड़ा हार्ड था, सिर्फ बेसिकली डिजाइन से कुछ नहीं होता, आपको अपनी थ्योरी भी करनी है। वो ये पूछते हैं कि तुमने बीटेक कौन सी ट्रेड से की है, एंड मेनली सर मैकेनिकल के जाते हैं, बट ये है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वो पूछते हैं। तो फिर मैंने आइस इंजन बोला था, आइस इंजन में मेरे आइस इंजन क्या होता है, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक में डिफरेंस क्या है, फिर बाकी एक्सेट्रा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, कम से कम 8-10 क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। जो मैं भी ओवरऑल एप्टीट्यूड टेस्ट भी एक तरीके से ले लिया, टेक्निकल भी ले लिया, वो तो होता है। ओके ठीक है। सो और क्या, फिर फाइनली आपको उन्होंने ऑफर लेटर भेज दिया। उसके बाद मैं वहां पे क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, तो देन उन्होंने वो तो एक प्रोसेसिंग वाली बात है, वो बात वो तो सब उन्होंने सैलरी वगैरह बता दी थी मुझे उसी दिन, बट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बुलाया, तो मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया नेक्स्ट डे जाके, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे बस ऑफर लेटर दे दिया था उसे। अच्छा ठीक है। ज्वाइनिंग कब से आपकी? मैं ज्वाइनिंग है 15 से, 15 जनवरी से जी। अच्छा, तो वहाँ आपने अब रहने वाले अलवर के हो, ये गुड़गांव में कंपनी है जी। तो आपको तो कॉर्पोरेट ऑफिस में ही काम करना है, प्लांट में तो नहीं करना? प्लांट इनका बावल है, बट हमें कॉर्पोरेट ऑफिस में करना है। कॉर्पोरेट में करना, तो आसपास पीजी वगैरह देख लिया आपने? सर पीजी अभी देखूंगा, अभी यहीं से शिफ्ट किया, अभी यहीं रहता था मैं। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ फ्लैट से शिफ्ट किया अभी। अच्छा ठीक है, तो आगे क्या प्लान है आपके? आगे सर यही प्लान है कि एक बार मैं वहां जाऊं, देन मेरे एचओडी से पूछूं कि आगे ग्रोथ का क्या प्रोसेस है। अगर जैसे वो अगर यूजीएनएक्स पे काम करते हो या कैटिया पे काम करते हो, तो फिर मैं कंपनी तो सॉलिडवर्क्स यूज कर रही है ना। हाँ बट अगर जो भी वो सजेशन देते हैं, अच्छा इसी लाइन में ग्रोथ के लिए, तो ठीक है। मैंने अपने फीस डिपोजिट कराई, सबमिट कराई हुई है। अच्छा फीस, क्यों फीस क्यों सबमिट करा रखी है? मेरे को ये था कि मेरे को 2 सॉफ्टवेयर सीखने, तो करके जाओ ना फिर। मैं कर लूंगा सर, वो संडे संडे क्लास संडे आगे फिर कर लो आप। हाँ संडे संडे कर लो, ठीक है, गुड। ओके ऑल द बेस्ट, अपना खत्म करो सॉफ्टवेयर। और मिनिमम कुछ बॉन्ड साइन कराया आपसे? बॉन्ड साइन नहीं कराया, बहुत ही अच्छा है फिर तो। बट करो आप, एक साल से पहले कंपनी मत छोड़ना मिनिमम। दो मेरे हिसाब से तो मैकेनिकल में 2 ईयर्स काम करना चाहिए, एंड देन आफ्टर 2 ईयर्स एक और अच्छी पोजीशन पे फिर कम से कम 1-1.5 साल और काम करो, देन एक अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप रेज्यूमे में बार बार चेंज कर रहे हो अपनी कंपनीज, हर 2 महीने में कंपनी चेंज हो रही है, तो आपको बेसिकली निकाला गया है किसी कंपनी से, क्योंकि मैकेनिकल वाले तो कह रहे भाई 2 साल से पहले एक्सपीरियंस नहीं, तो कहते हैं कि भाई 3 साल का बॉन्ड साइन करो, तो कंपनी कभी नहीं निकालेगी आपको अगर उससे पहले निकाला है। और वो ये भी देखते हैं रेज्यूमे में कि लेट्स सपोज अगर आप A to Z पे कर रहे हो, उसके बाद किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हो, तो 100% निकाला गया है इसको। अगर और बड़ी कंपनी में शिफ्ट आया तब तो मैं मानता हूँ चलो ठीक है, लेट्स सपोज हम विक्टोरिया टूल्स में काम कर रहे हो आप, देन इट्स गुड अगर आपको ऐसी कहीं जगह से ऑफर आता है, बट अदरवाइज आप स्टेबल रखो जी सर। मुझे ये है कि 1-1.5 साल तो काम करना है। हाँ 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 ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।